गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो डायग्राम्स के ग्राफ्स के टाइप्स थे, हिस्टोग्राम्स फर्स्ट नंबर पे अपन ने बनाना सीख लिया था अच्छे से। सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसे बोलते हैं आवृत्ति बहुभुज, वो भी अपन ने अच्छे से बनाना सीख लिया था। अब इसी का थर्ड टाइप है फ्रीक्वेंसी कर्व, वो अपन आज बनाना सीखेंगे। और इसका फोर्थ टाइप जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे बोलते हैं ओग्यू, वो भी आज ही बनाना सीख लेंगे। ठीक है, तो अपना जो पॉइंट था ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइंट स्टार्ट किया था अपन ने। ग्राफ से या ग्राफ के माध्यम से डाटा को प्रेजेंट करने का सेकंड टाइप था। फर्स्ट था ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, ये है ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें अपन ने फर्स्ट टाइप हिस्टोग्राम्स क्लियर कर लिए थे, सेकंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर लिए थे, आज अपन थर्ड टाइप फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे बोलते हैं वक्र, ये बनाना सीखेंगे। तो अपन को इसमें ध्यान यही रखना है कि इनको या इन ग्राफ्स को बनाते टाइम इनका जो क्षेत्रफल है इतना ही रह जाता है, इतना ही रहना चाहिए जितना कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का था। यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफ ऐसे बनाए जाने चाहिए कि इस वक्र या कर्व का क्षेत्रफल इतना ही रहना चाहिए जितना कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का था। क्लियर है। इसके साथ ही फ्री हैंड, जैसे अपन समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में जो तर्कु तंतु बनाते हैं ऐसे डैश डैश करके, ऐसे डैश 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 करके, तो ऐसे फ्री हैंड का यूज करते हुए अपन पॉलीगन के बिंदुओं को मिलाकर एक वक्र का निर्माण करते हैं। यानी जो अपन ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था उसकी जो लाइन खींची थी अपन ने बिंदु मिलाते हुए, उसी पर फ्री हैंड का यूज करते हुए अपन पॉलीगन के बिंदुओं को मिलाते हुए एक वक्र का या कर्व का निर्माण करेंगे, जिसके कारण जो एंगल बन रहे थे हिस्टोग्राम और आयत बार जो थे, जिन्हें अपन बोलते हैं हिस्टोग्राम, उनके बीच और पॉलीगन के बीच जो एंगल बन रहे थे वो इसके माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। अब बनाते कैसे हैं, अपन ने रूल तो जान लिया है, अब बनाएंगे कैसे। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, और जो डाटा मिला है अपन को एग्जांपल में वो ये है, दस से पंद्रह, पंद्रह से बीस, बीस से तीस, सॉरी बीस से पच्चीस, पांच पांच का अंतर ले रहे हैं, बीस से पच्चीस, पच्चीस से तीस और तीस से पैंतीस। ये तो है, जैसे मान लो कि एज है, इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और इधर मान लो कि 5 है। तो ये डाटा मिला है अपन को क्वेश्चन में या एग्जांपल में, इससे संबंधित अपन को बनानी है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अक्ष एक्सिस पे तो अपन ये एज लिखेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है, तो अपन डायरेक्ट 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिख दें। तो जीरो है, दस है, बीस है, तीस है, चालीस है, पचास है, ठीक है। या फिर इसमें पांच पांच का अंतर है तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं, दस,
बीस, पच्चीस और ये तीस और ये पैंतीस, ऐसे ही बना सकते हैं। इधर तो क्या लिखी है अपन ने, एज। इधर क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इधर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी देखे तो इनमें भी पांच का अंतर मिल रहा है मोस्टली। तो मैं बनाऊं जैसे मान लो जीरो से पाँच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस और ये पैंतीस, क्लियर है। अब दस से पंद्रह की एज के कितने स्टूडेंट है, दस। दस से पंद्रह कितने स्टूडेंट है, दस, ये लो। फिर है पंद्रह से बीस, पंद्रह स्टूडेंट, पंद्रह से बीस ये पंद्रह स्टूडेंट। फिर है बीस से पच्चीस, बीस स्टूडेंट, बीस से पच्चीस ये बीस स्टूडेंट। फिर है पच्चीस से तीस, पच्चीस स्टूडेंट, पच्चीस से तीस ये पच्चीस स्टूडेंट। और तीस से पैंतीस पांच स्टूडेंट, तो ये पांच स्टूडेंट। तो ये अपन ने यहाँ तक तो एक बोले तो हिस्टोग्राम बनाया है अब तक तो, ठीक है, अब तक तो हिस्टोग्राम ही बनाया है एक दूसरे को जोड़ते हुए जो अपन ने पहले बनाने सीखा था। फिर अपन क्या करते हैं, ये जो आयत बार है हिस्टोग्राम के, इनके मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं क्या, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, जो लास्ट अपन ने प्रीवियस क्लास में बनाना सीखा था। अब अपन को बनाना है फ्रीक्वेंसी कर्व, तो मैंने ये कहा कि फ्री हैंड का यूज करते हुए पॉलीगन के बिंदुओं को मिलाते हुए वक्र बनाते हैं फ्री हैंड ऐसे, ये लो जी। यानी जो एंगल बन रहे थे वो एंगल अपन अब समाप्त कर रहे हैं, ये लो। यानी जो डैश डैश से लाइन शो की है वो तो है फ्रीक्वेंसी कर्व, जो ब्लैक लाइन जो अपन ने पहले बनाने सीखी थी वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ये जो आयत बार है ये कहलाएंगे हिस्टोग्राम। तो इनको अपन नामांकित भी कर देते हैं, ये तो है हिस्टोग्राम, ये डैश डैश वाली लाइन है, या ये ब्लैक वाली लाइन ले लेते हैं पहले, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ये डैश डैश वाली लाइन जो है यह है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इस प्रकार अपन आसानी से फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकते हैं, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। स्टार्टिंग की अपन ने हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम बनाकर अपन ने उस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, यानी कि जो हिस्टोग्राम है उनके ऊपर वाले सिरे के मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी कंटिन्यू, तो अपन को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल गया। और इसी पर फ्री हैंड का यूज करते हुए इन बिंदु को मिलाते हुए एक वक्र बना दिया, जिसे यहाँ पे एक एंगल बन रहा था जैसे 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसके माध्यम से ये समाप्त हो गया है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी कर्व अपन बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है, क्लियर है। अब इसका फोर्थ टाइप रह जाता है, कौन सा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव, फोर्थ टाइप। ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप ले रहे हैं अपन, फोर्थ, इसे बोलते हैं संचयी आवृत्ति। इसका जिक्र अपन पहले भी कर चुके हैं, आपको याद हो तो, वक्र, इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव, या क्या बोलेंगे, ओगिव। तो संचयी आवृत्ति वक्र या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव कैसे बनाते हैं, इनको सबसे पहले बनाने के अपन रूल्स जान लेते हैं। सबसे पहला रूल तो यही है कि जो अपन ने लाइन डायग्राम्स बनाए थे, आपको याद हो ऐसे, ये जो लाइन डायग्राम्स बनाए थे इनके ऊपर अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति
को अंकित किया जाए तो अपन को क्यूमुलेटिव कर्व प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर है? यानी कि ये जो लाइन डायग्राम्स थे इनके ऊपर अपन अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अंकित करें बिंदुओं के रूप में और उनको मिलाएं तो अपन को क्यूमुलेटिव कर्व प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अक्ष अक्सिस पर तो अपन क्या शो करेंगे, अक्सिस पे तो अपन क्या शो करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इससे संबंधित जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको वाई अक्सिस पे अपन शो करेंगे। यानी जो डाटा है, यानी क्लास इंटरवेल को तो अपन अक्ष अक्सिस पे शो करते हैं, और इस क्लास इंटरवेल से संबंधित जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको वाई अक्सिस पे शो करेंगे। क्लियर है यहां तक? ये रूल है। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो होते हैं ये टू टाइप के बनते हैं। कौन कौन से हैं वो दोनों टाइम अपन बनाएंगे। फर्स्ट तो है लेस देन ओगिव, और सेकंड है मोर देन ओगिव। ये टू टाइप के इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनते हैं। एक तो लेस देन यानी घटते हुए क्रम में, एक है मोर देन यानी बढ़ते हुए क्रम। तो ये लेस देन ओगिव या कर्व कैसे बनता है, इसको बनाने का नियम यह है कि जैसे मान लो कि ये ग्राफ है तो इसकी अक्ष अक्सिस पे तो अपन क्लास इंटरवेल की अपर लिमिट लिखेंगे। ये जो ग्राफ है लेस देन ओगिव बनाते टाइम क्लास इंटरवेल की अपर लिमिट लिखेंगे अक्ष अक्सिस पर, और इससे संबंधित क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई अक्सिस पर बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। कैसे, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, इधर है जैसे प्राप्तांक और इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और एक और बॉक्स बना देते हैं 50 से 60। ठीक है, ये तो हो गई प्राप्तांक यानी जो अक्ष अक्सिस पे शो करनी है अपन को क्लास इंटरवल वो, और इससे संबंधित जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो जैसे हैं 5, 10, 15, 25, या 10 मान लो 10, 25 और ये 20। ये अपन को क्वेश्चन में डाटा मिल गया और अगला बोल रहा है या तो लेस देन ओगिव बनाओ या मोर देन या दोनों ही बना दो। तो अपन सबसे पहले लेस देन ओगिव बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, ये तो हो गया एक्स, ये वाई, ये जीरो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लेस देन का बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो नीचे अपन क्या करेंगे, ये वाली प्राप्तांक डालेंगे, या इससे पहले अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी लेस देन की, लेस देन इसमें अपन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ज्ञात करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, कैसे ज्ञात करते हैं, सीक्वेंस से अपन इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाएंगे, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट में सी एफ, ये बोला था इसको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, शॉर्ट में इसका क्या नाम है, सी और एफ, क्यूमुलेटिव से सी और फ्रीक्वेंसी से एफ, तो ये सी एफ। यहां पे क्या है, प्राप्तांक कहां से स्टार्ट है, ये जैसे मान लो 10 से स्टार्ट कर दूं मैं, 10, 20, 30, 40, 50, ये 60। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे ज्ञात करते हैं, 10 की तो 5 है ही, ये लो 5, फिर क्रमवार जोड़ेंगे तो 5 में 10 जोड़ने पे ये 15, फिर तीनों को जोड़ेंगे अपन 5, 10 और 15 को, तो इस 30 की भी आ जाएगी,
तो 15 में 15 जोड़े तो ये 30, ठीक है। फिर 30 में 10 और जोड़े तो ये 40, 40 में 25 और जोड़ने हैं तो 40, 50, 60, 65 हो गई ये 65। फिर इन सभी को जोड़ेंगे, 65 में 20 और जोड़े तो 60, 70, 80, 85 हो गए ये 85। तो ये अपन ने सी एफ ज्ञात कर ली। अब अपन को करना क्या था, रूल क्या था इसका लेस देन ओग्यू का, कि अक्स एक्सिस पे तो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट लिखेंगे और वाई एक्सिस पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है। ये लो जी, इधर तो मैंने कर दिया 5, 10, 15, 20, या ये तो कम हो जाएगी, 10-10 का अंतराल दे लें तो सही रहेगा, क्योंकि 5 से तो बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा अपना। ये मैंने स्टार्ट कर दिया इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। और इधर क्या है, इधर भी 10 से है, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, क्लियर है। ये मैंने एक्स एक्सिस पे लिखे हैं और ये बहुत 85 तक है, इसलिए मैंने 5 का अंतर न देके इनमें 10 का अंतर दिया है, फिर भी ये बढ़ा ही जा रहा है, देख लो। अब इसको देखते हुए अपन लेस देन ओग्यू बनाएंगे। तो 10 प्राप्तांक के कितने स्टूडेंट है, 5, 10 के कितने हैं 5, तो कहाँ पे आ गया ये, यहीं पे आ गया। ये लो, पॉइंट बहुत बारीक बनाने, यानी पॉइंट दिखने नहीं चाहिए इसे बनाने अपन को, बस अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पे पॉइंट है। फिर 20 प्राप्तांक कितने स्टूडेंट है, 15, 20 के 15, यानी थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ गया। ये लो, फिर है 30 के 30, ये 30 के ये 30, फिर है 40 के 40, 40 के ये 40, फिर है 50 के 65, 50 प्राप्तांक के कितने स्टूडेंट हैं, 65, यानी कि यहाँ पे आ गया 60 और 70 के बीच में। ये लो, फिर है 60वें प्राप्तांक के 85 स्टूडेंट, 60वें के ये 85, यानी यहाँ तक आ गया। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दें अपन, ये लो, ये पॉइंट्स दिखने नहीं चाहिए। ये लो, तो ये बना दिया अपन ने एक लेस देन ओगिव, जिसमें ये टेबल आपको सबसे पहले बनानी है। जो प्राप्तांक थे उनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको अपन क्रमवार जोड़ते चले जाएंगे। 10वें प्राप्तांक 0 से 10 है तो अपन इसको डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 10 से 20 है तो डायरेक्ट 20 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 10वें प्राप्तांक 10 नंबर 10 जो प्राप्तांक है उनकी स्टूडेंट संख्या कितनी है, 5। फिर नेक्स्ट जितने भी आएगी उनको कंटिन्यू जोड़ते जाएंगे, 5 लिख दिया, फिर 5 को 10 को जोड़ेंगे 15, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे 30, फिर 4 को जोड़ेंगे 40, ऐसे कंटिन्यू जोड़ते चले जाएंगे। अब बनाना है अपन को मोर देन ओग्यू। तो मोर देन ओग्यू कैसे बनेगा, सेम बात वही है, लेकिन इसमें ये हटाना है अपन को, ये लो, कि कुछ रूल अलग है उसके। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी ये भी उल्टी बनेगी, तो इसको भी ये लो हटा दिया मैंने। तो ये इसी डाटा से अपन को मोर देन का बनाना है। तो रूल्स क्या है, अक्स एक्सिस पे तो अपन को क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट लिखनी है। इसमें अपन ने अपर लिमिट लिखी थी लेस देन में, मोर देन में लोअर लिमिट लिखेंगे, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो घटते हुए क्रम में लिखेंगे। पहले तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, 5, 15, 30, ये बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन इसमें अपन घटते हुए क्रम में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, 60 तक ही है। अब घटते हुए क्रम में, यानी कि हाईएस्ट जोड़ा अपन ने तो 85 आ रहे थे, तो ये लो 85, या यहाँ पे कर दूँ मैं 85,
ये बार हटाई देता हूँ इनको मैं। हाईएस्ट ये ध्यान रखना कि जो पूरा जोड़ने पे 85 आया है, अब कंटिन्यू ये नंबर अपन घटाते चले जाएंगे तो ये घटते हुए क्रम में अपन को सी एफ मिल जाएगी। तो ये लो 85 में से जीरो पे मैंने 85 कर दिया क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने जोड़ी तो 85 ही आई है, इसको जोड़ोगे अब तो 85 ही आएगा, ठीक है। तो 85 में से फिर 5 माइनस करने है क्योंकि 10 आ गए ना, 10 प्राप्त अंक, 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 माइनस किए तो ये 10 नंबर पे 80, फिर 80 में से 10 माइनस किए तो ये 70, फिर 70 में से 15 माइनस किए तो 60, 60 में से 5 और माइनस किए तो 55 में से 10 माइनस किए तो 45 में से 25 माइनस किए तो 20, और यहां पे फिर ये 0 आ गई, ये लो। क्लियर है? तो इसे घटते हुए क्रम में अपन को प्रदर्शित करनी है। अब इस पे कैसे बनेगा, ये सेम वही डाटा अपन ने रख दिया एक्स एक्सिस पे वाई। अब स्टार्ट क्या करेंगे, 0 पे 85, ये 0 है, इस पे ये 85 मान लो कि यहां पे है, ये लो एक पॉइंट यहां, 10 पे 80, 10 पे ये 80, ये यहां पे आ गया, 20 पे 70, 20 पे ये 70, 30 पे 55, 30 पे ये 55 कहां पे होगा, यहां पे, फिर 40 पे 45, 40 पे ये 45, 50 पे 20, 50 पे ये 20, और ये 60 पे 0 आ गया। तो कैसे खींचेंगे अपन, यहां से ऐसे, ये पॉइंट्स दिखने नहीं चाहिए ऐसे, तो पहले वाले का जस्ट उल्टा हो गया, पहले वाला तो यहां से स्टार्ट ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो ऐसे जो ग्राफ बनेंगे वो कहलाएंगे मोर देन ओग्यू, यानी कि इसमें अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में कैसे लिखना है, जो इनका पहले टोटल आया था लेस देन का 85, उसमें से कंटिन्यू घटाते हुए चले जाना, क्लियर है? तो आसानी से ये अपना ग्राफ बन जाएगा। तो आज अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओग्यू कितने टाइप के थे, दो टाइप के, लेस देन और मोर देन, वो बनाना सीख लिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जब सैटरडे को आओ तब पूछ लेना, ठीक है। ये अपने जो ग्राफ्स थे, ग्राफ्स ऑफ या ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो होगा मीन, इसे बोलते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य। थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं अपन इसी क्लास में ताकि नेक्स्ट कंटिन्यू रखें अपन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मीन, एम ई ए एन, जिसे बोलते हैं माध्य, यानी कोई डाटा दिया है उसका न्यूनतम और अधिकतम मानों के लगभग मध्य में औसत का मान सुनिश्चित रहता है। यानी ये 1 से लेके 10 तक कोई मान दिए हैं, इसका न्यूनतम 1 है और अधिकतम 10 है, इन दोनों के मध्य में यहां पर इसका औसत का मान सुनिश्चित रहता है, जिसे क्या बोलेंगे, माध्य या मीन बोलेंगे, क्लियर है। अतः समांतर माध्य निकालने के लिए पैरामीटर्स के सैंपल का योग इसमें भाग दिया जाता है पैरामीटर्स की संख्या का, इसे अक्स बार से शो करते हैं, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन।
हिंदी में समांतर माध्य, अक्ष बार से शो करते हैं, अक्ष के ऊपर एक लाइन खींच के, समांतर माध्य इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन। कैसे निकालते हैं? पैरामीटर्स की सैंपल का योग, यानी कि एक से लेके दस तक अपन को डाटा दिए हैं, पैरामीटर दिए हैं, तो इनका योग एक से लेके दस तक, उनमें भाग देंगे अपन पैरामीटर्स की संख्या का। कितनी संख्या में दिए हुए? दस, दस दिए ना, तो इन एक से लेके दस को तो पहले जोड़ेंगे यहाँ पे, और उनमें दस का भाग देंगे। पैरामीटर की संख्या कितनी है? दस ही तो है, तो दस का भाग देंगे। तो ऐसे अपन एक मीन या समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से। ये मैंने आपको आज डेफिनेशन बता दी है, मीन क्या है, किस सिंबल से इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू इसकी जो सीरीज आएगी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूज, उनके मीन निकालने के भी फॉर्मूला देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और कैलकुलेट करके रिजल्ट भी निकालेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।